कहते हैं कि किसी चीज को पूरे लगन पूरे शिद्दत से आप अगर कोशिश करते हैं करने की तो वो जरूर मुमकिन होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बस हिम्मत नहीं हारनी होती है। हमारे साथ जो लड़की है, नाहिदा परवीन नाम है इनका, और कौन बनेगा करोड़पति हरेराम पांडे का हाल ही में देवघर से जो थे हॉट सीट तक गए थे, ये हॉट सीट तक नहीं गई लेकिन हजारीबाग में हम लोगों को जैसा लग रहा है कि पहली ऐसी लड़की है जो कौन बनेगा करोड़पति के FF तक गई है। सोनी चैनल में ये आता है, अमिताभ बच्चन इसको होस्ट करते हैं, और बाकी जो जानकारी है, जो संघर्षपूर्ण जीवन रहा है वो इनसे ही जानते हैं। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत स्वागत हजारीबाग अपडेट्स पे। थैंक यू मैम। कैसे ये सफर, मतलब कौन बनेगा करोड़पति की तरफ रुझान, सुना है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, BPSC का PT भी क्रैक की है। जी मैम, कैसे सफर हुआ? मैं तो IAS का तैयारी करना चाहती थी, और जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद मैं सोची कि तैयारी करूंगी, दिल्ली जाना चाहती थी पढ़ने के लिए, तो उस वक्त पापा को फिर कैंसर हो गया अचानक से, फिर पापा का इंतकाल हो गया, तो मैं सोची फिर क्यों ना सो हजारीबाग से ही स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर लूं। मैं पहली बार JPSC का एग्जाम दी, नहीं निकाल पाई क्योंकि उस वक्त पापा बीमार थे, उसी वक्त डेट की है, उसके बाद एग्जाम था 2-4 महीना बाद, तो नहीं निकाल पाई। फिर BPSC का मैं फिर से तैयारी की, एग्जाम निकाली, PT पास की और मेंस की तैयारी करने लगी। एग्जाम देना था मुझे लेकिन 2 महीने पहले मेरा अंगूठा अचानक से पता ना क्या हो गया, खराब हो गया, लिख नहीं पा रहे थे, पेन नहीं चल रहा था मेरे अंगूठे से, तो वो फिर मैं फिर लिख ही नहीं पा रही थी। मैं गई रांची भी इलाज कराई, पता चला कि नस मुझे होता है ना वो प्रॉब्लम है, तो मेरे पास तो पैसा था नहीं कि 5 से 10 हजार जो लगाऊं हर महीने और इलाज कराऊं, क्योंकि मेरे इतनी हैसियत नहीं है, मेरे भाई टोटो चलाता है, पापा का भी नहीं था, पापा तो अरबी पढ़ाते थे और फुटपाथ पे जूता लगाते थे रिडिक्शन का, तो था नहीं, तो हम सोचे कि चलो शांत हो गए, फिर हम है नहीं, मोबाइल भी नहीं था मेरे पास। अच्छा, PT जो निकाली आप, जो चीजें आप नहीं कर पाई वो छोड़ दीजिए उसको, लेकिन जो चीजें आपने अपने बलबूते हासिल करा, कैसे हासिल करा, क्या ट्यूशन वगैरह भी जाती थी आप? नो मैम, सब फोन से। सब फोन से मैं, मेरे पास नोट्स वगैरह था, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं घर में फिर रहने लगी ना, तो मतलब पढ़ाई मैंने छोड़ी थी, घर में डेली सुबह जैसे करंट अफेयर न्यूज वगैरह मैं डेली पढ़ती रही कंटिन्यू, और आज भी पढ़ती हूँ मैं, आज भी डेली मेरा आदत है, मैं न्यूज पढ़ती हूँ। अभी सपना क्या है आपका? अभी मेरा कौन मेरे करोड़पति जाऊंगी, और मुझे शौक था कि नौकरी करती, अभी भी मेरा शौक है मैं DSP बनू। अगर आप अभी भी वो शौक रखती हैं और वही मेहनत से लगन से अगर आप लगेंगी जैसे टीनेजर में लगती थी तो आप जरूर करेंगी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिलहाल आते हैं, कैसा लगा पहली दफा हवाई जहाज पे बैठना, अमिताभ बच्चन से मिलना? विश्वास नहीं हो रहा था मैम, जब अमिताभ सर आए ना मुझे सामने से देने के लिए वो कॉइन, अब मैं देख रही तो मेरा दिल धक 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 कर रहा, मैं मुस्कुरा रही पकड़ के सर को देख रही, मैं नमस्ते नमस्ते सर को कर रही हूँ, क्या हो गया। और अभी भी मुझे विश्वास नहीं है कि मैं वहां तक पहुंची, अभी भी नहीं, यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अमिताभ सर से मिल के आ रही हूँ। अच्छा, ये टेलीकास्ट आप लोगों को बता दूं कि धनतेरस के दिन ये टेलीकास्ट हुआ सोनी चैनल पे, और कौन बनेगा करोड़पति के FF तक गई आप जी, कैसे गई वहां तक, और हजारीबाग में क्या आपको लगता है कि कोई और है जो गए हैं वहां तक? मुझे तो नहीं पता, मैं किसी का नाम भी नहीं सुनी कभी, जब से मतलब 2017 से मैं ट्राई की, कहे कि 2016 में मेरा हाथ खराब हो गया था, तो जब मोबाइल भी मिला मुझे 2016 में ही, मोबाइल नहीं था मेरे पास, घर पे ही रहना उस वक्त। हाँ, तो 2017 में जब देखे कि KBC आने लगा है, तो बोला गया कि उसमें बोलने लगे अमिताभ सर की मोबाइल से भी आप खेल सकते हैं, तो मैं सोची क्यों ना मुझे नॉलेज है तो खेलूं मैं भी खेलने लगी, जो पहली बार खेली 2017 में, तो उधर से तुरंत रिप्लाई आया कि बधाई हो आप विजेता है, तो मैं बहुत खुश हुई, एक्साइटमेंट में गलत नंबर डाल दी। अच्छा, मतलब 2017 में ही ये खबर हजारीबाग अपडेट्स आप तक चला देता अगर उस वक्त ये चैनल होता तो, लेकिन ये नंबर गलत डाल दी एक्साइटमेंट में, मतलब ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ, नंबर गलत डाल दी मैम, फिर मेरा वहां से तो नहीं आया, फिर लॉकडाउन के वक्त आया, फिर से आया, तो फिर से आया, खेली आप? हाँ, मैं कंटिन्यू खेल रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे लगता था ना कि मैं रात में नमाज पढ़ती अल्लाह पाक के रोती थी कि अल्लाह पाक मेरा तो अंगूठा खराब हो गया तो क्या होगा, मैं मेरे पास तो कोई खूबी है नहीं, बस सिर्फ थोड़ा पढ़ाई की हूँ, बस उसी में हमको कामयाबी देते, अब जैसी भी तुझे देना दे दे, मुझे नहीं पता कैसे देना, तो मैं बस पढ़ाई करती थी, मैं अल्लाह पाक को बोली कि मैं सिर्फ मेहनत कर सकती हूँ पढ़ाई में, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, ना मेरे पास पैसे है ना कोई और उपाय है। तो ऊपर वाला मेहनत ही चाहते हैं, हम लोगों में कहते हैं कि जिनके पास सरस्वती होती है यानी विद्या होता है, यानी कि एजुकेशन आप कह लें, शिक्षा जिनके बलबूते आप यहाँ तक पहुंची है, तो सब कुछ होता है, लक्ष्मी भी होती है, चीजें बदलती भी है, सब ठीक हो जाता है। घर वालों का कितना सपोर्ट रहा? फुल सपोर्ट हमेशा से, मेरे परिवार का, मेरे भाई, मेरे पापा, अम्मी, फुल सपोर्ट, मेरी बहन का फुल सपोर्ट, मैं काम ना भी करती, मेरी अम्मी तो बेड पे हाथ धुला देती थी मेरा
मेरी बहन भी, जैसे कि मैं उठ नहीं रही हूँ तो खाना नहीं खाने उठ रही, पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरे बेड पे आके हाथ धुला देती, गमला लाके हाथ यहीं पे खा लो खाना, मेरा फुल सपोर्ट रहा है भाई का। समझते थे वो लोग कि जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सपोर्ट, फुल सपोर्ट मिला, यहाँ तक कि मेरा भाई पापा भी पानी लाके हमको दे देते कि पी लो। जब सब लोगों का सपोर्ट रहा, पिताजी अब आपके नहीं रहे इस दुनिया में, किस साल की बात है ये? पापा 2013 में एडिट किए थे और 2013 में ये फर्स्ट बार हम अटेम्प्ट किए थे जेपीएससी। तो उनका और उनके साथ साथ जो लोग अभी आपके साथ हैं उनका भी तो सपना होगा कि नाहिदा जो है अच्छा कुछ करें। जी बिल्कुल, मेरा अकेले का नहीं है मैम, मतलब बोलता ना अकेले का, बहुत ऐसे लोग हैं, बच्चा है गैर मुस्लिम क्यों ना हो, फुल सपोर्ट रहा है मेरा। ऐसे बोलते ना कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम से लड़ने के लिए नहीं पैदा हुए, मैं तो नहीं मानती है, मेरा तो फुल सपोर्ट, क्या सपोर्ट रहा है, फुल सपोर्ट रहा है मेरे हिंदू मुस्लिम सब। मेरे एक भैया है चंचित भैया, वो लोग पढ़ते थे पटना चले गए, वहां से नोट्स भेजते थे मुझे क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती थी, मेरे पे पैसे नहीं थे, वो लोग हमेशा सपोर्ट किए मुझे। और मेरे क्लासमेट थे वो लोग, मुझे मैथ रीजनिंग में प्रॉब्लम थी, वो लोग मुझे पढ़ाते थे पर्सनली, वो भी हिंदू है। मेरे सारे दोस्त जितने भी हैं लड़के में, एक भी मुस्लिम नहीं, सारे हिंदू। छठ महापर्व चल रहा है और ऐसे में मैंने आपको बार बार कहा था कि सब लोग मिलजुल करके हर पर्व को मनाते हैं और हजारीबाग में तो और ज्यादा, और ये हमारे साथ हैं और इनकी जो आप बीती है खुद बता रही हैं। और कुछ बताइए, वहाँ किन किन लोगों से मुलाकात हुई? वहाँ जो केबीसी की टीम थे वो वेरी सपोर्टिव है, वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छा से, मतलब एहसास नहीं होने देते कि हम लोग इतने छोटे शहर से आए हैं, इतने मतलब हम लोग का हैसियत नहीं हुआ था। तो शिक्षा की पूजा होती है ना, नॉलेज की पूजा, बहुत रिस्पेक्टली बात करते हैं वो लोग, कॉल भी करते हैं ना, इतना रिस्पेक्टली बात करते हैं इतना। अब मैं होटल गई थी, फाइव स्टार होटल, हम लोग तो सोच के वहां भी वो जो होटल वाले थे वो भी बोलते कि एक चीज, किसी भी चीज की जरूरत हो आप लोग मुझे कॉल करें, तुरंत आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, हर एक चीज, मतलब मुझे तो लगता है कि केबीसी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मंच है, बहुत अच्छा। मतलब अगर घर पे भी फोन की मदद से, पुस्तकों की मदद से अगर बच्चे पढ़ना चाहें, या कोई भी अगर पढ़ना चाहे अच्छे से, नॉलेज गेन करना चाहे, तो वो मुकाम उनको भी मिलता है। बिल्कुल, केबीसी ऐसा मंच है ना कि मतलब किसी को भी जमीन से उठा के आसमान पहुंचाते ऐसा है। कोई नहीं, आप भी इससे अछूती नहीं रहेंगी, अभी आपको कई लोग जो है देख रहे हैं लगातार, और शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन उम्मीद यही है कि आगे भी आप इस चीज को जो है जाने ना लें। बहुत मुझे है ना, एक बोलता है ना कि सिर्फ अपने घर के परिवार के या अपने मुस्लिम बोलते हैं ना कि मेरे जात वाले पे आ जाते हैं समुदाय, ये लोग दिन नहीं, मुझे तो गैर मुस्लिमों का भी बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत खुश हुए सभी, बहुत खुश हुए, बहुत सपोर्ट किए, पढ़ने में भी सपोर्ट किए, उस वक्त किए जब मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी एक मैम है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनका, मेरी एक मैम है राखी दी नाम है उनका, उनके पापा ना मुंशी थे कचहरी में, और मैं हिंदी ऑनर्स की हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त पढ़ने के ऑनर्स के टाइम, तो वो मुझे फ्री में पढ़ाई है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इन सारी चीजों को ऐसे जाया मत जाने दीजिएगा, आप कुछ कीजिए, आप कर सकती है, वो जुनून इनकी नजरों में, ये जुनून इनके अंदर नजर आता है जी। अब इनकी मम्मी से भी बात करना चाहेंगे, कैसी है आंटी आप? बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? पूरा फरजाना खातून नाम है। ठीक है, बचपन से ही ऐसी जुनूनी थी क्या? हाँ जी जी, बचपन से ही। हाँ जी हाँ। तो मतलब क्या, बचपन से ही जैसे होता है ना कि आपके कितने बच्चे हैं? आपके दो बेटी लड़की है, दो लड़के। तो क्या ये बिल्कुल अलग थी? हाँ पढ़ने में बिल्कुल जी जी जी। तो बचपन से ही क्या ABCD जब सब सीख रहे होंगे तो ये पहले सीख गई होंगी? जी जी। और कुछ बताइए ना इनके बारे में। और क्या बताएं, एक तो जिद्दी, वो कह रही है कि कह दीजिए ना कि जिद्दी है। जिद्दी बहुत है। अच्छा, ये आगे जो करना चाहती है उसमें अभी भी आपका पूरा सपोर्ट है? जी जी। आप अम्मी भी गई थी साथ में वहाँ? नहीं नहीं, अम्मी नहीं जा पाई। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा जब उस वक्त टेलीकास्ट हुआ, ये आकर के ये तस्वीर दिखाई? हाँ तो बहुत अच्छा लगा, पता चला हवाई जहाज से जा रही है जी जी अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए। जी जी। आप लोग तो मूवी में देखा करती होंगी उनको। ये 200 पॉइंट वाला जो चीज था वो क्या बता रही थी आप? वो 200 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है 10 सेकंड के अंदर अगर जवाब आप देती हैं, तो उससे सिलेक्शन होने का ज्यादा चांसेस होता है उसी में, मतलब वो चांस आपका जी, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ था ना कंपटीशन का वक्त। हाँ। तो मैं जल्दी जवाब दे देती थी। अच्छा, बीपीएससी की पीटी के बारे में आप ऑफ द कैमरा बता रही थी कि इस पूरे मोहल्ले में लड़के लड़कियों ने बीपीएससी का पीटी नहीं कम्प्लीट? नहीं, मेरे मोहल्ले के लोग आए थे कि मतलब पूछे, तो पता चला कि मैं बीपीएससी निकाली हूँ, क्रैक की हूँ, तो मामा बोलती हूँ मैं उन लोगों को, वो लोग बहुत खुश होने लगे कि बहुत हम लोग का नाम ऊंचा कर दिया, पहली लड़की हो जो मोहल्ले से तो कोई लड़का भी नहीं निकाला है बीपीएससी का एग्जाम, लड़की होकर निकाली, बहुत खुश हुए थे सभी। मेरे मोहल्ले के लोग भी, बहुत से लोग आए थे, बहुत खुश हुए थे, इस वक्त भी बहुत खुश हुए।
बहुत शुक्रिया। अब एक भाई साहब हमारे साथ हैं जिनसे बात हुई थी लेकिन आवाज नहीं गई थी। अब तस्वीरों में देखें आप, तस्वीर में जो है आपको वो भाई साहब अपनी बहन के साथ नजर आ रहे होंगे। पहली बार फ्लाइट पे आप बैठे, पहली बार अमिताभ बच्चन से मिले, अपनी बहन पे कितना नाज हो रहा है? बहुत गर्व हो रहा है कि हम लोग जो मेहनत किए या इसकी पढ़ाई के पीछे सपोर्ट किए उसका आज फल मिल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी मिलता रहेगा। अच्छा, अब कैसा लग रहा था जब पहली दफा हवाई जहाज पे बैठे, अमिताभ सर सामने से आकर के नाम पुकारे या जो भी चीज है, कैसा महसूस किया? सपने जैसा लग रहा था कि क्या वाकई में हम उस मंच पे पहुंच गए हैं, क्या वाकई में अमिताभ सर के साथ सामने खड़े हैं हम, सपने जैसा लग रहा था। लोग मूवीज में ही देखते हैं, लोग मूवीज में ही देखते हैं, आज तक हम लोग भी मूवीज में ही देखे कि कोई सदी के महानायक सुपरस्टार हैं इतने बड़े और वो मेरे सामने खड़े थे, मेरे साथ में थे, फोटो खींचा रहे थे मेरे साथ में और मेरी बहन का नाम ले रहे थे और बहुत खुश होके कि हजारीबाग झारखंड से नाहिद परवीन आई उनका नाम ले रहे थे, तो बहुत खुशी महसूस हो रहा था। और वहाँ के जो क्रू मेंबर थे वो बहुत सपोर्टिव थे, वो लग ही नहीं रहा था कि हम घर से बाहर में, लग रहा था घर ही पे हैं। तो वो लोग तो नॉलेज को मतलब तवज्जो देते हैं ना, वो लोग उस चीज की पूजा करते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, इनके अम्मी से हम लोग बात कर रहे थे तो ये बता रही थी कि अम्मी भी उनका ही नाम मूवी में जानती है। किनका किनका नाम जानती है? सिर्फ अमिताभ बच्चन सर का जानती है और सलमान खान सर का नाम जानती है। दो लोग, हाँ बस यही दो को पहचानती है। टीवी कभी भी चलाएंगे तो सलमान सुलेमान सलमान खान नहीं बोलती, सुलेमान ही तो सुलेमान है, ये तो अमिताभ बच्चन है बोलती है ना। अमिताभ बच्चन तो हर चीज में नजर आते हैं जितना एडवर्टाइज है ब्रेक, जब मतलब हर चीज में ना रहते हैं अमिताभ सर तो आ जाते हैं, ब्रेक हुआ तो अमिताभ सर मूवी देखते तो अमिताभ सर, अभी बोलती हर चीज में अमिताभ सर नजर आते हैं। बेटी भी अमिताभ सर के जो है ये मैं चली गई। जब अमिताभ सर, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था मैं वहां तक नहीं पहुंची थी, जब अमिताभ सर प्रोग्राम दे रहा था मैं देख रही थी, यकीन नहीं हो रहा था टीवी में कि क्या मैं कल के वहां पे होंगी अमिताभ सर के सामने, यकीन नहीं हो रहा था। कैसे इंसान है? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बहुत सपोर्टिव, मतलब इतने छोटे छोटे शहर से आते हैं लोग, इतने गरीब होते हैं और अमिताभ बच्चन सर जो हैं वो महसूस नहीं होने देते कि वो इतने बड़े हैं, इतने सुपरस्टार हैं और हम लोग इतने छोटे शहर से आए हैं। कहते हैं ना फलदार वृक्ष झुकता है, फलदार वृक्ष जितना फलदार होता है उतना झुकता है और वहां तो नॉलेज की पूजा होती है। आप लोगों के नॉलेज की वजह से बुलाया गया? जी नॉलेज की वजह से बुलाया गया। और बच्चे बच्चियां हैं जैसा कि मैंने बताया कि घर में रह करके जो करना चाहती है किस तरह से, पूरा प्रोसेस बताइए। जी बिल्कुल कर सकते हैं, सबसे पहले उनको अगर करना चाहती है सबसे पहले करंट अफेयर जो होता है उस पे फोकस करना होगा। और करंट अफेयर पढ़े भी तो करंट अफेयर के साथ सिर्फ ये नहीं पढ़े कि आज क्या हुआ, उसका पिछला भी पढ़ ले कि इससे पहले कब हुआ था और ये आगे पढ़ ले कि इसके बाद होगा या नहीं होगा, मतलब पूरा बैकग्राउंड उसका। जैसे चंद्रयान तीन पढ़ रहे हैं तो एक दो के बारे में भी मैं नोट्स बनाती हूँ ना, जैसे मैं नोट्स बनाई, जैसे चंद्रयान का बनाई, चंद्रयान थ्री सिर्फ जैसे आया तो मैं उसे सिर्फ नहीं लिखती है, फिर मैं बार बार लिखती हूँ चंद्रयान वन चंद्र टू, जैसे चंद्रयान टू हुआ था तो मैं वन का लिखी थी, ठीक है, और चंद्रयान थ्री आया और फिर हमें दोबारा लिखी तो फिर लिखी। मेरे पापा बोलते थे ना कि याद करने से ज्यादा लिखा करो, जितने बार लिखेंगे तो मैं नोट्स जितने बार आता है ना मैं उतना बार लिखती हूँ, करंट अफेयर में डेली नोट करती हूँ। परहेज नहीं करना? नहीं, मैं डेली लिखती हूँ। अच्छा, आखिर जो सवाल आया था जिस वक्त आपने कहा कि लेट से मैं जवाब दे पाई, सही जवाब था, किस चीज से आया था? वो संविधान से था, वो संविधान से क्वेश्चन था कि वो उसको सजाना था इसमें से पहले क्या हुआ है, कौन सी अनुसूची पहले है? नहीं, हाँ अनुसूची नहीं, इसमें से क्या सबसे पहले हुआ संविधान में, तो सबसे हाँ प्रस्तावना उद्देशी का था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और पूरा सवाल था मतलब संविधान की पुस्तक है तो उसमें सबसे पहले पृष्ठ पे सबसे पहले तो प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे वो उद्देश्य का था, फिर मूल अधिकार, पहले हम लोग अधिकार दिया गया, मुझे याद है सबसे पहले हम लोग को मूल अधिकार दिया गया, उसके बाद मूल कर्तव्य दिया गया, उसके बाद फिर संविधान में चौथा वाला, यहाँ बाकी चीजें जो है तो मुझे याद था क्वेश्चन, मैं पढ़ी थी कंपटीशन के वक्त। हाँ जो थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं की थी ना कभी, मेरे पर टाइप कभी नहीं रहा तो मोबाइल था सिर्फ, तो मैं कर ली मोबाइल के जरिए पहुंच गई वहां तक इंशाल्लाह। लेकिन अब फिर अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह पूरा हजारीबाग का नाम रोशन करके। आप अभी भी रोशन किए हैं नाहिद, अभी भी रोशन किए हैं, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी ही दरख्वास्त है कि इस जो जर्नी है ना उसको जाया मत जाने दीजिए इंशाल्लाह। मेरे पापा का बहुत ख्वाहिश था कि मेरी बेटी है ना, मैंने कभी बेटी के जैसा बर्ताव नहीं किया गया मेरे घर में, तो मतलब मैं बेटी जरूर हूँ लेकिन मेरे लिए कुछ भी आता है ना घर में तो सबसे पहले मेरे लिए मेरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। बेटियों को ना
लक्ष्मी चंडी काली सबका रूप दिया गया है जी। मेरे पैदा होने से पहले भी, मतलब जन्म होने से पहले भी पापा का ख्वाहिश था कि मेरी बेटी हो, क्योंकि हुजूर पाक का सलाम जाता है बेटी होने से। मेरे पापा कहना, हम लोग जो पैगंबर है मोहम्मद साहब, तो उनका सलाम जाता है उनके यहाँ, तो मेरे पापा चाहते ही थे कि बेटी हो। भाजन का बात, भाजन मेरे बड़े है लेकिन फिर भी मेरे घर में ज्यादा तवज्जो मुझे देगा। भाई अभी भाजन टोटो चला रहे होंगे इसीलिए सामने भी आप ऐसे ही बोल देती हूँ ना, टोटो चला रहे हैं भाजन, सामने ऐसे ही बोल देती हूँ, उनसे ज्यादा डैडी मेरे को मानते थे। हाँ, छोटा वाला भाई बोलता है कि अम्मी मुझे ज्यादा मानती है, लेकिन सबको पता है कि अम्मी पापा सब मुझे ज्यादा मानते हैं। जहाँ भी होंगे ना वो नाच कर रहे होंगे आपके ऊपर। जी बिल्कुल। अभी मेरे पापा रहते हैं ना, मेरे पापा तो मतलब उतना हमको नहीं लगता था कि छोटे छोटे बात पे मिठाई बांटने की खुशी होते। अब मेरे हर वक्त मेरे पापा की जुबान मेरी जूही जूही। और मेरे परिवार है ना, मुझे लगता है कि जब भी ये लोग नमाज कुरान इबादत करते होंगे, सबसे पहले दुआ के लिए हाथ उठाते होंगे, तो मेरे लिए दुआ करते होंगे। मुझे बहुत मतलब लगता है ना कि मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब राजकुमारी कर रही हूँ। मतलब आगे भी ऐसी मेरे घर में पैसे नहीं है मेरे घर में उतना, लेकिन फिर भी मेरे पापा कभी इनकार नहीं करते थे कि कोई भी चीज ख्वाहिशी है। भाई लोग भी इनकार नहीं करता कि ये चीज नहीं है, नहीं ले देंगे। ये बोलता है कि हाँ अभी पैसे नहीं है, बाद में ले देंगे। जब भी होता पैसा, मैं तो साइकिल भी ली, स्कूटी भी चलाती हूँ। अरे मेरे भाई के पास पैसा तो कार भी ले देता लेकिन मैं कार चलाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन अपने पैसे से चलाऊंगी। चलिए, हम लोगों की दुआ है कि आपके साथ कि आप और आगे बढ़ें और नाम रोशन करें। जी इंशाल्लाह, जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। चलिए फिर मुलाकात करेंगे। और कौन बनेगा करोड़पति के FF तक किए गई है, पूरा नाम क्या है उसका? फास्टर फिंगर फास्ट। जल्दी लगाना जल्दी से, और उसी में थोड़ा सा डिले हो गई है लेकिन वहां तक पहुंची। बीपीएससी का पीटी भी कम्पीट की जब, तो उस वक्त इस पूरे मोहल्ले के लोग आकर के बधाइयों का तांता बिल्कुल लगा हुआ था इनके घर पे। और इनकी माँ जो है सलमान खान की, पहले अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन का नाम जो है, आंटी हंस रही है, जानती हैं। और उनसे इनकी बेटी जो है मुलाकात करके आ गई। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इसी के साथ अब इजाजत दें, शुक्रिया।